नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। एथलीट से एक लुटेरा गिरोह का सरगना बने अपराधी को फाजिलका पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो अपनी नशे की लत को पूरा करने और ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई शहरों में वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसे फाजिलका पुलिस ने इसको काबू करते हुए एक देसी पिस्तौल, 32 बोर, 2 मैगजीन और 5 कारतूस और 264 ग्राम हीरोइन समेत काबू करने में सफलता हासिल की। आइए सुनते हैं एसएसपी नरेंद्र भार्गव को। डॉक्टर जैन ते अटैक होया सीगा वोर्च लुट दी नीयत नाल, मुकदमा नंबर 167 उहदे च दर्ज होया सी, जिहदे च असीं पहलां 4 मुलजम पकड़ ले सी। ये जिहड़ा उहनां दा सरगना सीगा उस टाइम स्किप कर गया सीगा, जिस नूं असीं कल साड़ी CIA पार्टी ने काबू किया अबोर सीड फार्म के लागे, जिस को 260 ग्राम हेरोइन ते एक पिस्टल बरामद हुई है, जिहड़ी कि उस वारदात यूज हुई सी, जिहड़ा कि अंतर राजी क्रिमिनल है, जिहदे खिलाफ़ मुकदमे दर्ज ने राजस्थान च, पंजाब च, हरियाणा च, ते उन्हों गिरफ्तार किया। हाँ, ये पुराना एथलीट रहा 400 मीटर का। 400 मीटर की रेस एक एथलीट रह चुका है और पिछले काफी समय से नशा करने का आदि हो गया। आखिर क्या कारण है, एक एथलीट को जुर्म का रास्ता अपनाना पड़ा? यदि फाजिलका से इंद्रजीत सिंह की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।